हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनिका सुंदरियाल में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुशी मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, कुछ मूंगफली हैं जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ। हाँ जी, आज बन रही है मूंगफली की चटनी, जिसको आप किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं, या पराठे, रोटी, दाल, चावल, किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं। जिसके लिए मैंने आधी चम्मच सरसों का तेल डाला था कढ़ाई में। उसके बाद मैंने ये पीनट डाल दिए थे, जिनको आप रोस्ट करना है, और रोस्ट तब तक करना है जब तक इनका हल्का कच्चापन बिल्कुल फट ना जाए। बिल्कुल आपको काला भी नहीं करना है, बिल्कुल जलाना भी नहीं है। मीडियम फ्लेम में आपको इसको तेल के साथ हल्का रोस्ट कर लेना है, ताकि जो इसका जो मूंगफली का कच्चापन है वो हट जाए। और यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैं गैस पे रखकर इस तरीके से सेक लूँगी अलट पलट के, जब तक हमारा टमाटर पूरी तरीके से ब्लैक ना हो जाए। देखिए आप, साथ साथ मूंगफली को, एक तरफ मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ और एक तरफ मैं टमाटर को कर रही हूँ। बस इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस टमाटर होने चाहिए और पीनट, अगर आपको पीनट की चटनी बनानी है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब आप डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ इसमें प्याज और टमाटर, हरा धनिया और मूंगफली, बस इसके साथ मिलकर चटनी बनाई है। इसमें मैंने अदरक लहसुन कुछ नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। बस प्याज को भी मैं इसमें सेक लूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जो स्मोकी फ्लेवर है वो हमारा इसमें अच्छे से आ जाए। वैसे तो टमाटर और प्याज को अगर आप चूल्हे पे सेकेंगे ना इस तरीके से कोयले में, तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बट अभी ये चीज़ तो है नहीं, तो जो है उसी से काम चलाएंगे। और कुछ मैंने हरा धनिया को भी इस तरीके से थोड़ा सा सेक लिया था, सेक भी क्या ऊपर से इस तरीके से कि उसमें थोड़ा सा जो स्मोकी फ्लेवर है वो आ जाए। और खुशबू, खुशबू तो इसकी बहुत ही टेस्टी होती है इस तरीके से ना। आप भी एक बार इस तरीके से बनाइएगा चटनी, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी से इसको बनाइए। मेरे पास ये चीज़ें थी तो मैंने इसी से इसको बना लिया था। बस एक मिक्सी में डाल के इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखो हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से सिक चुका है, टमाटर को भी और प्याज को भी इसमें डाल के हम अच्छे से सेक लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा एक चुटकी इसमें मैं अजवाइन डालूंगी। टमाटर का ना ये ब्लैक ब्लैक मत हटाना आप लोग, नहीं तो वो जो टेस्ट है वो नहीं आएगा, जिसके कारण इसको गैस पे हमने सेका है। अगर हम इसका ब्लैक वो हटा देंगे तो टेस्ट इसका फिर वैसा आने का ही नहीं, नॉर्मल लगेगा, इसलिए इसको हटाना नहीं है। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इसमें मैंने अजवाइन, जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लिया था और इसको पीस लिया। आप चाहें तो इसमें अमचूर, काला नमक भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये चीज़ें नहीं डाली, सबूत जीरा डाला है और नमक, अजवाइन। और यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए, इसको खटास के लिए थोड़ा सा इसमें मैं सिरका डालूंगी। मेरे पास नींबू नहीं है अभी, और आप चाहें तो इसमें अमचूर, नींबू डाल सकते हैं अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे भी ये सब जो चटनी है बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बनकर रेडी है, और अब आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, पकौड़ी के साथ खा सकते हैं, समोसे के साथ खा सकते हैं, और रोटी सब्जी किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।